और बात मौसम के मिजाज की करते हैं। पहाड़ी इलाकों में हुई जबरदस्त बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। शीतलहर ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन को बढ़ा दिया है, तो कोहरे और धुंध से चलते आम जीवन खासा प्रभावित हुआ है। कोहरे के चलते सड़क और हवाई यातायात पर भी खासा प्रभाव पड़ा है। पहाड़ों पर गिरती बर्फ मैदानों में सर्दी का सितम बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका फायदा पर्यटक उठा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से उत्तर भारत के तमाम राज्यों में सर्द हवाएं चल रही हैं। दिल्ली में सोमवार की सुबह बेहद सर्द रही और लोगों को बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। काफी ठंड हो रही है यहाँ पे और टेम्परेचर भी करीबन 60 ठंड है, काफी है, 6 डिग्री के करीब पहुंच गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर प्रदेश में भी ठिठुरन भरी सर्दी शुरू हो गई है। समूचे प्रदेश में गलन और ठिठुरन भरी सर्दी शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। कानपुर शहर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के स्तर तक जा लुढ़का और इस तरह पिछले 24 घंटों में वह राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। हम लोग तो खुले आसमान में बैठे हैं, आग जला के पूरे रात बैठे रहते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे। वहीं पहाड़ों में जमकर बर्फ गिर रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी और मध्यम तथा कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों में धुंध तथा कोहरे के कारण पूरे राज्य में ठंड बढ़ी है। वहीं जम्मू कश्मीर के लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। श्रीनगर में भी रात का तापमान काफी नीचे पहुंच गया। हरियाणा और पंजाब राज्यों में भी तापमान कम हुआ है और ठंड का प्रकोप बढ़ा है। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। कोहरा एक्चुअली देश के अलग अलग भागों में अलग अलग स्थिति रहती है। जो अभी डेंस फॉग है, जो बहुत ज्यादा कोहरा जिसमें विजिबिलिटी 10 मीटर भी दिखाई नहीं देता, वैसी स्थिति बिहार में है, बंगाल में है और हमारे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में है। बाकी मॉडरेट फॉग हमारे वेस्ट यूपी में और दिल्ली और आसपास एरिया में हो रहा है, जो कि जल्दी लिफ्ट हो रहा है और इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। अगले 3 दिन तक इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, फिर उसके बाद 18 के बाद फिर को रिपीट कर सकता है। ठंड और कोहरे ने सामान्य जनजीवन पर खासा असर डाला है। सबसे ज्यादा प्रभाव रेल संचालन पर पड़ा है, जिससे गलन भरी सर्दी में यात्रियों की दुश्वारियां और बढ़ गई हैं। बड़ी संख्या में रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से कई कई घंटे देर से चल रही हैं। आने वाले समय में ठंड और कोहरा बढ़ने से ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 9 डेस्क, DD न्यूज़।